Kadambani Children's Academy, CBSE Affiliated High Tech Education Center, Indranagar, Ujjain. नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन जिले के महतपुर तहसील के गांव इंदौख पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौख बैराज परियोजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन के महतपुर तहसील के ग्राम इंदौख पहुंचे, जहां उन्होंने 79 करोड़ की लागत से इंदौख बैराज परियोजना का लोकार्पण किया। ये बैराज छोटी काली सिंध नदी पर बनाया गया है, जिससे महितपुर और आगर के रहवासियों को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। वहीं इस बैराज परियोजना के निर्माण में 6100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। योजना से महितपुर एवं बड़ोद तहसील के 23 गांव के किसान सिंचाई भी कर सकेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1.25 साल में सरकार में फर्क आपने तो देखा ही होगा। उनकी सरकार और हमारी सरकार में काफी फर्क है। हमारी सरकार तपस्या वाली सरकार है। पूर्व सरकार ने किसानों का फसल बीमा का पैसा खाया, लेकिन हमने जमा करवाया। हमारे दिल में किसानों के लिए दर्द है, किसानों की समस्या को समझते हैं। वहीं कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों के प्रीमियम के पैसे, बुजुर्गों के तीर्थ के पैसे और बेटियों के पैसे कमलनाथ सरकार ने खाए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के लिए कहीं से भी पैसा लाएंगे, लेकिन किसान को परेशान नहीं होने देंगे। जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं टेम्परेरी मुख्यमंत्री हूँ, परमानेंट के लिए मुझे जगह जगह सभा संबोधित करने जाना है। कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान हेलीपैड के लिए बड़ोद रवाना हो गए। सरकार में कितना फर्क होता है, ये बहादुर मेरे पास आए थे, इन लोग में बांध बनाने के लिए हमने बांध स्वीकृत किया और आज मुझे खुशी है कि बांध बन के तैयार है। 28 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है और ये पानी महतपुर विधानसभा के किसान भाइयों के खेत में भी जाएगा, आगर वालों के खेत में भी जाएगा। देखिए, हमारी जिंदगी का मकसद सत्ता के सिंहासन पर बैठना नहीं है। हमारी सरकार तपस्या है बहनों और भाइयों, तपस्या। और कैसे जनता की बेहतर सेवा करें, किसानों का कल्याण करें। अपुरानी सरकार देख ले, ज्यादा समय नहीं लूंगा। फसल बीमा योजना के पैसा प्रीमियम से खा गई, 2018 के भी खा गए। मैंने मुख्यमंत्री बनने के 8 दिन के अंदर ही पहले 2018 के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा किया और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डलवाया और फिर अभी फिर प्रीमियम जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर से किसानों के खाते में आया। क्योंकि हमारे दिल में दर्द है, कैसे जनता का बेहतर साथ दें। अब वो तो भाई जाते ही थे जनता के बीच में। हमने कहा कमलनाथ जी कभी कभी तो निकला करो यार, जनता के दुख दर्द देखो। बोले हम तो बंगले में बैठ के देख लेते हैं। हमने कहा आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, कभी कभी तो निकल जाए करो। लेकिन जनता से कोई लेना देना नहीं, किसानों के प्रीमियम के पैसे खा गए, गरीबों की संबल योजना खा गए, बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन यात्रा भी खा गए, बेटियों की शादी के पैसा खा गए। ऐसा मुझे कह रहे थे कल नालायक है शिवराज, नालायक। हम क्या, हम नालायक और तुम नाला, तुम लायक, वाह लायक। आज बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बांध, ये पुल आपको समर्पित करता हूं। पर बहादुर, तुम बहुत कर्मठ नेता हो।